हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज ये ब्लॉग अभी यही से स्टार्ट करता हूँ। अभी बज रहे 3:30, मैं सहरी के लिए अभी उठा हूँ। तो आप सभी को रमजान मुबारक। जय रमजान का चौथा रोजा। सॉरी गाइज, मैंने रमजान में पहले दूसरे तीसरे रोजे को वीडियो नहीं निकाला। मेरे पैर को ना गानी काटी, मेरा पैर ऐसा सूज गया था ना, इसलिए बहुत दुख रहा था ना। आज है रमजान का चौथा रोजा, अभी 3:30 बज रहे। तो अपन सहरी वगैरह करेंगे, सहरी वगैरह करने के बाद मिल। तो गाइज अभी बज रहे 4:30। तो गाइज मैं सहरी वगैरह करके आ गया, नमाज के टाइम है। तो गाइज जब सहरी का टाइम है 5:15, तो नमाज को उधर के उधर जाएंगे। तो गाइज सहरी का वक्त खत्म हो गया। तो गाइज अभी बज रहे 5:15, अभी जाएंगे नमाज को, नमाज वगैरह पढ़ेंगे। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मिल। सबको अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज मैं नमाज वगैरह पढ़ के आ गया, बज रहे 6:45। तो गाइज अभी तो कुछ काम वगैरह है नहीं, ड्यूटी को भी जाना है 8 बजे। जब तक सो जाएंगे अपन, 8 बजे उठूंगा। 8 बजे उठने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं, तो गाइज अभी बज रहे 9:00। तो गाइज मैं फ्रेश वगैरह होके अभी जाएंगे, बाइक बाहर निकलेंगे। बाइक बाहर निकल के अपने को जाना है शेलगांव। चौथे रोजे की सुबह मुबारक हो गए और रमजान भी मुबारक हो। तो चलो गाइज अभी जाएंगे, बाइक वगैरह बाहर निकालेंगे। बाइक वगैरह बाहर निकल के गाइज मैं बाइक वगैरह बाहर निकल के आ गया। यहाँ से अभी जाएंगे शेलगांव, से जाएंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे 150 रुपए का पेट्रोल डालेंगे, वहाँ से फिर जाएंगे शेल। जल्दी से कमेंट में बताऊँ कौन रोज आए। और तो चलो गाइज अभी यहाँ से जाऊंगा मैं पेट्रोल पंप। गाइज मैं पहुंच गया पेट्रोल पंप। तो गाइज अभी यहाँ से 150 रुपए का पेट्रोल डालेंगे, बल्कि अपने को जाना है शेलगांव। तो गाइज मैंने 150 रुपए का पेट्रोल वगैरह डाल दिया। तो गाइज अभी यहाँ से जाना है अपने को शेलगांव। तो गाइज मैं आना लेके आ गया। तो आपको बताया था ना मैंने एक वीडियो में रोड का काम चालू था, रोड कितना खराब है ऐसा बोला था ना। तो गाइज ये देखो रोड का काम ये 2 दिन में कर डाली सरकार ने। 2 दिन में जितना मस्त रोड हो गया ना गाइज। अनाली से मैं अभी इनगोदा तक आया हूँ, 5 किलोमीटर है ना अनाला इनगोदा, 5 या 6 मिनट लगे। कितना मस्त रोड हो गया, पूरा हवे हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो गाइज अभी यहाँ से जाए शेलगांव। शेलगांव जाने के बाद मिलते। गाइज अभी बज रहे 10:00, मैं शेलगांव को पहुंच गए। बाहर आके बैठा हूँ डॉक्टर वगैरह से मिलके, आग पे बाहर आके बैठा हूँ, क्योंकि अभी भी एक भी पेशेंट, अभी आधा एक घंटा इधर ही बैठूंगा पेशेंट आने तक। पेशेंट आएंगे तो फिर अंदर जाऊंगा, पेशेंट वगैरह लूंगा, पेशेंट वगैरह लेने के बाद मिलता। तो गाइज पेशेंट, एक पेशेंट आ गया, बज रहे 10:45। तो गाइज अभी एक पेशेंट आ गया। तो गाइज अभी वो जाएंगे, पेशेंट का CBC करना है, CBC वगैरह लूंगा। CBC वगैरह लेने के बाद मिलता। ये देखो मैंने सैंपल ले लिया पेशेंट का। तो गाइस अभी सैंपल वगैरह ले लिया, अभी तो एक ही पेशेंट आया है, तो अभी एक ही सैंपल ले लिया। पेशेंट आने के बाद फिर और सैंपल लूंगा मैं। तो गाइस अभी बज रहे 11:30। तो गाइस एक ही पेशेंट हुआ, पेशेंट ही नहीं थे, अभी एक ही पेशेंट हुआ है। वेट करेंगे पेशेंट आने तक, आधा घंटा 12 बजे तक रुकूंगा, हम करेंगे पेशेंट आए तो लूंगा। लो गाइस मिलता। गाइज अभी 2 पेशेंट आए थे, गाइज दोनों पेशेंट का मैंने सैंपल वगैरह ले लिया। तो गाइज अभी सैंपल वगैरह लेने के बाद भी जाएंगे डॉक्टर के सिग्नेचर वगैरह लेंगे। सिग्नेचर वगैरह लेने को जाना है यहाँ से परंडा। तो चलो गाइज मैं डॉक्टर के सिग्नेचर वगैरह लेके आ गया। तो गाइज अभी यहाँ से जाएंगे परंडा। परंडा जाने के बाद तौफीक भाई को सैंपल वगैरह देना है ना। तो चलो गाइज मिलता।
तो गाइज में पहुंच गया सरकारी हॉस्पिटल। तो गाइज अभी अंदर जाएंगे तो फिर भाई को सैंपल वगैरह देंगे, सैंपल वगैरह देने के बाद मिलता। तो गाइज तौफिक भाई को सैंपल वगैरह दे दिया, तो गाइज अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं घर, घर पे जाके मिलता हूँ। गाइज अभी बज रहे एक, तो गाइज मैं घर पे आ गया, 5-10 मिनट बैठेंगे क्योंकि 1:30 बजे जमात बजे नमाज है, तो नमाज के लिए जाएंगे, नमाज वगैरह पढ़ेंगे, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मिलते। तो गाइज मैं नमाज वगैरह पढ़ के आ गया, तो गाइज अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से घर। तो गाइज अभी बज रहे 2:15, गाइज मैं नमाज वगैरह पढ़ के आज नमाज वगैरह पढ़ के इतना सुकून मिल रहा है ना गाइज, इतना अच्छा लग रहा है। तो गाइज आप भी बताओ कमेंट में कौन कौन नमाज पढ़े, कौन कौन रोजा है, आज रोजा भी सबका अच्छा जा रहा होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ किसी को तकलीफ नहीं होना, सबके रोजे अच्छे जा बहुत है वैसे तो, लेकिन क्या करते हैं अल्लाह की मर्जी, रोजे तो अच्छे जाना, सुकून से जाना। अभी तो आया हूँ मैं घर, तो गाइज अभी तो ऐसा कुछ काम वगैरह तो है नहीं, जाएंगे थोड़ा सा आराम वगैरह करेंगे, आराम वगैरह करने के बाद मिलो। गाइज अभी मुझे 4:30, तो गाइज मैं आराम वगैरह करके आ गया, मेरे को पता ही नहीं मेरी कभी आग लग गई, सोयाला था। तो गाइज अभी उठा हूँ, तो गाइज अभी जाएंगे मंडे में राउंड मार के आ जाएंगे, उधर से नमाज को जाऊँ पढ़ूंगा असर की, असर की नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर। तो गाइज आ गया मैं आमिर भाई के गाड़ी पे के बैठा हूँ गाइज। तो गाइज अभी नमाज को आधा घंटा टाइम है, तो गाइज इधर से ही मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा, नमाज वगैरह पढ़ूंगा, नमाज वगैरह पढ़ने के इफ्तारी का सामान वगैरह लाने जाना, नमाज वगैरह पढ़ के इफ्तारी का सामान ला। गाइज अभी बज रहे 6, तो गाइज मैं नमाज वगैरह पढ़ के आ गया, अभी जाएंगे इफ्तारी का सामान लाने के लिए, क्या आएंगे इफ्तारी का सामान। इफ्तारी का सामान लेने के बाद में गाइज इफ्तारी में इफ्तारी के रोजा खोलने के पहले आप जो भी दुआ मांगो ना वो कबूल होती, कुल दुआ मांगो, बेशक दुआ मांगो, अपने लिए मांगो, आप लोगों के लिए मांगो, मेरे लिए मांगो, किसी और के लिए मांगो, इंशाल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाएंगी। दुआ करो गाइज मेरा भी जल्दी से मोनेटाइज हो जाए बोल के जल्दी से चैनल। तो चलो गाइज अभी जाता हूँ मैं सामान लाने के लिए इफ्तारी का। गाइज मैं इफ्तारी का सामान वगैरह लेके आ गया, तो गाइज आप लोगों ने देखा कितनी गर्दी थी मंडे में, रमजान में इतनी गर्दी रहती है गाइज, हर रमजान में इतनी गर्दी है। तो गाइज मैंने इफ्तारी का सामान वगैरह लेके आ गया, रोजा खुलने में 10 मिनट टाइम है, जिक्र में बैठेंगे अपन दुआ करें। तो गाइज ये देखो इफ्तार की प्लेट कितनी मस्त सजाई है मम्मी ने, अभी इफ्तार के लिए 2 मिनट बाकी है गाइज, अभी इफ्तार वगैरह करेंगे। इफ्तार वगैरह करने के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी लकसम तो विवेकमन तो वालेका तोकल तो फतक बुलमिन बरकतिल्ला। तो गाइज मैं रोजा वगैरह खोल के आ गया, तो गाइज अभी यहाँ से जाएंगे नमाज को, मगरिब का टाइम हो गया, तो जा रहा हूँ मैं नमाज को, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मिलता हूँ। इधर 8:15 नमाज वगैरह पढ़ के आ गया, ये ब्लॉग अभी यही पे एंड करता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, और गाइज वीडियो पूरा देखना, वीडियो पूरा देखने में आपको मजा आएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, अल्लाह हाफिज़।